Hello everyone, I'm Swapnil Rao and I'm the co-founder of NapNap Mat, and it is such a pleasure to be talking to everyone today. I've been waiting for this opportunity for a long, long time, and finally here we are. So I'm super excited. Let's get into it, right? So I want to sort of start with why we got into making something like NapNap Mat in the first place, right? If you look around, our world has changed. Our lifestyles have changed, right? We don't live in the same kind of environment that we used to live in, right? We had a lot of support system. When I was growing up, my mom had so much support from her masi, her dadi. Sab log haat batate the. Kabhi kabhi to padosi bhi humko matlab bada kar lete the. Ek time to aisa tha jab mummy awaz lagati thi ki Swapnil kahan hai, aur koi to padosi bol deta tha ki हमारे पास है, खाना खा रहा है, चिंता मत करो, आ जाएगा. सो दैट सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्टेड. अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ न्यूक्लियराइजेशन इज हैपनिंग ऑफ फैमिलीज, अ लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग ऑफ फैमिलीज. आजकल मॉम डैड को सपोर्ट कम मिल रहा है, तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है. अब इसके वजह से हमने सोचा कि ठीक है, कुछ किस्म का लाइफस्टाइल प्रोडक्ट करना चाहिए. बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे खिलौने आ रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स काफी कम है. तो हमने सोचा क्यों नहीं इसमें थोड़ा रिसर्च किया जाए, राइट? तो जब हम घुसे तो हमको एक्चुअली समझ आया कि स्लीप इज द नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ न्यू पेरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो आप अग्री करेंगे, अगर आप एक न्यू मदर हो या आप अगर प्रेग्नेंट हो और अभी आप एक्सपेक्ट करने वाले हो, तो आपको कोई ना कोई तो बोल रहा होगा कि भैया 6 महीने के लिए आप नींद भी भूल जाओ और आपका स्लीप डिप्रिवेशन भयंकर होने वाला है, राइट? तो ये बहुत बड़ा इशू है और इस पर थोड़ी सी बातचीत करनी बहुत जरूरी है. इसीलिए हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे आज उसको ठीक से समझने में, राइट? बट हमारा नैपनैप जो प्रोडक्ट है वो यहीं से निकला है. वो ये स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छे तरीके से, और ये पूरी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया. तो नैपनैप बेसिकली आप अगर जानना चाहते हो तो इन नटशेल, हम ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे आपके सवाल ऑलरेडी आए हुए हैं, तो वो सवालों को लेके हम ऑल डिटेल में जाएंगे प्रोडक्ट के. बट नैपनैप इन नटशेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप योगा मैट इमेजिन करिए, इट्स अ मैट्रेस फॉर योर बेबीज जो एकदम हल्के से वाइब्रेट होती है और उसमें से एक किस्म की वाइट नॉइज जनरेट होती है. तो आप इमेजिन करिए, अगर आप अपने बच्चे को कंधे पे लेके अगर थपथपा रहे हैं तो थपथपाना वाइब्रेशन होता है और आप जो करते हैं ये होता है वाइट नॉइज. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पारंपरिक जमाने से यूज किया जा रहा है बच्चों को शांत करने के लिए. उसको हमने थोड़ा सा प्रोडक्टाइज कर दिया ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए. तो ये एक सेंटेंस में नैपनैप का इंट्रोडक्शन था. बट नैपनैप क्यों जरूरी है, क्या स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से हमको तकलीफ होती है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पे चर्चा आज तक हो नहीं रही. तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, राइट? तो हमने ये कंपनी शुरू की 2 साल पहले. हमने बहुत रिसर्च किया. पहले तो हमने 8 प्रोटोटाइप्स बनाए. वो 8 प्रोटोटाइप्स कम से कम 150 बच्चों के साथ हमने टू एंड फ्रो माओ के साथ हमने मिल के इस प्रोडक्ट को बनाया. ठीक है, फाइनली जब फाइनल प्रोटोटाइप आया, वी वर रेडी फॉर लॉन्च. उसके बाद भी हमने बहुत बारीकी से एक 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 चीज पे ध्यान दिया है जिसमें हम अभी आगे घुसेंगे, आई मीन और डिटेल में जाएंगे हम. और एक चीज ऐसी है कि वी वॉन्टेड टू मेक श्योर that there is a dialogue between you and us. So as the product exists today, there is a free and open communication channel where you can reach out to us. We are still open to feedback and we still develop and customize the product for you. How can we do this? We can do this because we have our own R&D. Hamari khud ki R&D lab hai puri badi. This R&D lab consists of product designers, it consists of scientists, it consists of pediatricians, it consists of experts. ये सब लोगों, इट ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ मदर्स विच इज यू, ये सब लोगों को मिल करके हमने अपनी R&D टीम बनाई है और हम अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. हमारी R&D टीम नेरुल में है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नवी मुंबई में है, तुर्बे में है, और हमारा सेल्स ऑफिस अंधेरी में है. तो बेसिकली पूरा कंट्रोल है, हम
पूरी तरह से इस प्रोडक्ट की ओनरशिप लेते हैं और हम 100% श्योर है कि आपको इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा. तो आई थिंक बिफोर आई गो ऑन रैम्बलिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड गो ऑन स्पीकिंग अबाउट इट, आई थिंक वी शुड डू अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मैट. सो आई एम गोइंग टू गेट इनटू सम क्वेश्चंस दैट हैव कम फ्रॉम यू इटसेल्फ. ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे आया हुआ है कि बच्चे को कैसे अच्छे से सुलाना चाहिए. सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये एक बहुत अहम सवाल है जो कोई ध्यान नहीं देता. लोग हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, लोग हमेशा प्ले टाइम के बारे में सोचते हैं, लोग हमेशा इन इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. मेरा बच्चा क्या खा रहा है, मेरा बच्चा कब खा रहा है, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, इस पे सब ध्यान दे रहे हैं. लेकिन मेरा बच्चा कब सो रहा है, कितना सो रहा है, इस पे इतना कॉन्वर्सेशन इंडिया में नहीं हो रहा, अब्रॉड बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन हो रहा है. आप अभी भी अगर बेबी स्लीप गूगल करेंगे तो आपको इतने सारे अब्रॉड के आर्टिकल्स मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है. तो वो होना चाहिए. तो लेट्स गेट इनटू इट. बच्चे को अच्छे से कैसे सुलाना चाहिए. सबसे पहले बच्चे की नींद ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बच्चे की नींद ये कनेक्टेड इवेंट है, ये इंटीग्रेटेड इवेंट है. आप अपना एग्जांपल ले लीजिए. आपको अगर कोई, आप जस्ट सुबह अच्छे से 8 घंटे सो के उठे हो, हालांकि न्यू पेरेंट्स को वो लग्जरी मिलती नहीं है, बट आप इमेजिन करो कि आप अगर 8 घंटे अच्छे से सो के उठे हो और 1 घंटे में कोई आपको बोल दे कि चलो सो जाओ, तो नहीं होगा ना. तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी अभी आपकी नींद पूरी हो गई है. अब आपके बॉडी की जरूरत है कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ मूवमेंट करें. तो इसी तरीके से बच्चे की नींद भी बहुत सारे चीजों से जुड़ी हुई है. अगर आप बच्चे को सही तरीके से फीड करेंगे, आप सही तरीके से उसका प्ले टाइम करेंगे, आप सही तरीके से कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत आसान है आपके बच्चे को एक फिक्स्ड रूटीन में डालना. बट ये रूटीन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और ये डिसिप्लिन आपके ही बेनिफिट के लिए है, क्योंकि हम आपको ये समझाएंगे और हमारे पास बहुत सारे स्लीप कंसल्टेंट्स भी, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. 1-on-1 कंसल्टेशन भी हम देते हैं कंप्लीटली फॉर फ्री, ठीक है. बट अगर मैं कस्टमाइज नहीं करने जाऊं और मैं ओवरव्यू आपको देने जाऊं, तो 40 मिनट्स का टिपिकली एक स्लीप रूटीन होता है और आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी स्लीप की प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड वी विल इंश्योर दैट योर बेबी स्लीप्स प्रॉपरली एंड देयरफॉर यू स्लीप प्रॉपरली, राइट. सो बच्चे को अच्छे से कैसे सुलाना चाहिए. टिपिकली आप, अब मैं जेनरिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर घर अलग होता है, हर एक के अपने अपने शेड्यूल होते हैं, अपने अपने सिस्टम्स होती हैं. बट टिपिकली हाउ इट वर्क्स इज, लिविंग रूम में बच्चा खेल रहा होता है या बच्चे के प्ले रूम में खेल रहा होता है, तो वहां पे आप एक चीज डिसाइड करिए, कोई भी एक चीज जो आपको कंसिस्टेंटली हर दिन करनी है, जिसके बाद आप बच्चे को लेकर के उसके रूम में जाएंगे, ठीक है. तो जैसे आप धीरे धीरे ये चीज करने लगेंगे डे आफ्टर डे आफ्टर डे, आपके बच्चे को इमिजिएटली पता चल जाएगा कि ओके अब मैं इसके बाद रूम में जाने वाला हूँ, राइट. फिर आप रूम में जाइए, आप इंश्योर करिए कि रूम के अंदर टेम्परेचर एकदम सही है, लाइट सारी बंद है और कोई भी जोर की आवाज नहीं हो रही, ठीक है. सो यू आर क्रिएटिंग द राइट एम्बियंट कंडीशंस फॉर द बेबी टू बी कंफर्टेबल एंड देर इज नो नॉइज एंड देर इज नो डिस्ट्रैक्शन फॉर द बेबी टू सॉर्ट ऑफ यू नो गेट एक्टिव. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ट्राई योर बेस्ट नॉट टू एक्टिवेट योर चाइल्ड, नॉट टू गेट योर बेबी एक्साइटेड व्हेन यू वांट द बेबी टू स्लीप, ठीक है. उसके बाद, एंड दिस आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम, सो टिपिकली अराउंड 10:30 यू डू ऑल दिस रूटीन, कम टू दिस स्टेज, देन यू गिव समथिंग कॉल्ड एज अ ड्रीम फीड. अ ड्रीम फीड इज अ फीड दैट यू गिव एट नाइट एंड देन द बेबी स्लीप्स फॉर अ गुड 5 to 6 hours डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बेबी. तो वो अगेन 1-on-1 स्लीप कंसल्टेशन में हम आपको डिटेल में समझा सकते हैं. बट यू गिव द ड्रीम फीड and then you put the baby on the nap mat, put switch on a mode that is most appropriate for your baby and it works like magic. Under 5 minutes the baby is going to be sleeping extremely peacefully, extremely nicely. It goes into deep sleep and believe it or not, we add up to an hour, in some cases we've added over 2 hours of sleep
to a baby. And why this sleep is so important for the child is, I think we have another question, and I'll get more deeper into it with that question. So I think I think you guys have a decent idea on बच्चे को कैसे अच्छे से सुलाना चाहिए. तो एक स्लीप रूटीन आप रखिए. स्लीप रूटीन का बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है. डिटेल वाला ओवरव्यू आप हमको कॉल करके देख सकते हैं. ये और एक सवाल आया हुआ है, तो एट द एंड अगर आपको भी सवाल है तो आप लिख सकते हैं, और वो सवाल हम पढ़ रहे हैं, और हम आपको लास्ट 15 मिनट्स में आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे. अगर कोई सवाल छूट जाता है तो डोंट वरी, यू कैन राइट टू अस एंड वी विल आंसर इट ऑफलाइन. ठीक है. मेरा बच्चा फीड करते टाइम सो जाता है, क्या ये सही है? ओके. तो हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि फीड करते करते बच्चे को सुलाना. ठीक है. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग फिर एक बच्चे के लिए कंफर्टर बन जाता है. इट बिकम्स अ स्लीप क्यू. आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. ठीक है. तो हम एक क्यू लेते हैं, इवन ग्रोनअप्स हम एक क्यू देखते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता चल जाता है कि ये इसके बाद क्या होने वाला है. राइट. तो जब आप फीड करते करते अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आप your baby is going to get used to the breast every time the baby wants to sleep. So it's going to become extremely difficult for you as time goes by to put your baby to sleep, and you will always, there are infinite cases. I'm sure there are a lot of you who have tuned in right now who are facing this issue right now, that if your baby has to go to sleep, then you have to feed the baby. And we've heard very, very scary stories from mothers who just don't get to sleep even a single second throughout the night because their baby is constantly at the breast. So we certainly do not recommend ki aap feed karte karte bacche ko sulaye. Bahut sare dusre tarike hain, jaise maine aapko abhi pichle sawal mein bataya ki aap sleep routine mein bahut sare स्लीप क्यूज दे सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो जाए, आपका बेबी कंफर्टेबल हो जाए, और दोनों आराम से आप सो पाए. सो नॉट रिकमेंडेड. आप प्लीज फीड करते करते आप ये मत करिए. राइट. तो आई थिंक और एक सवाल ले इससे पहले कि मैं नैप में घुसूं. 45 मिनट्स में बच्चा उठ जाता है. ओके. सो ये टिपिकली स्लीप अवेकनिंग होता है, या ये टिपिकली इसको स्लीप रिग्रेशन कहते हैं. आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका बेबी पहले एक डेढ़ महीने तक बहुत अच्छे से सो रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, उसको अच्छी सी रूटीन लग गई है, बट सडनली बिटवीन 2 to 3 months योर बेबी स्टार्ट्स वेकिंग अप एवरी 45 minutes to 2 hours एंड स्टार्ट्स क्राइंग एंड नीड्स अटेंशन. And it's like having a newborn in your house all over again. This is a very common phenomenon, and it is called sleep regression. और ये मैं थोड़ा सा आपको technically समझाता हूँ कि अब हमारी जो sleep होती है ये दो हिस्सों में बटी है. एक है REM sleep जो एकदम हल्की sleep होती है, और एक है deep sleep जो एकदम deep sleep होती है. और adults में भी, हम में भी ये बहुत common है. हम भी 45 to 1 hour के cycles of sleep में ही चलते हैं. लेकिन हम, क्योंकि हम इतने tuned है और हम इतने aware है हमारे surrounding से, हमको पता है कि हम अपने bedroom में हैं, हम secure हैं, हमको कोई problem नहीं है. तो हम थोड़ी सी, हमारी भी आँख खुलती है और फिर हम वापस deep sleep में चले जाते हैं. But बच्चे अभी अभी आपकी womb से निकले हैं, उनकी environment पूरी तरीके से अलग है. ठीक है. उनके लिए ये room, ये हवा, आजू बाजू में amniotic fluid ना होना, ये सारी चीजें बहुत, it's a new environment. तो वो डर जाते हैं, और जब वो डरते हैं तो उनको उनके बेस्ट फ्रेंड की याद आती है. अब उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक दो महीने के बच्चे का बेस्ट फ्रेंड होता है उसकी मम्मी. ठीक है. तो दैट्स वाई द बेबी क्राइज एंड इट ऑलवेज आस्क फॉर यू. इसको सॉल्व किया जा सकता है नैपनैप मैट से ऑल्सो. तो वो भी मैं आपको, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू गेट इन टू वॉट इज नैपनैप मैट. So I would like to quickly unbox the product for you. I'm very, very excited to do this. So this is the packaging, and we kept it very clean, and all these elements are
sleeping elements, and this is very important. This is the NapCare seal of trust. हम अपने प्रोडक्ट्स बहुत हाई एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स लेके बनाते हैं. हम अपने सप्लायर्स बहुत केयरफुली चूज करते हैं. हमारा हर मटेरियल केयरफुली डिजाइंड है, केयरफुली थॉट ऑफ है, और हर चीज जो यहाँ पे है, हम एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन फिलोसफी में बिलीव करते हैं. तो कोई भी एक्सेस चीज यहाँ पे नहीं है. इसमें वही चीजें हैं जो बेबी के स्लीप में डायरेक्टली हेल्प करती हैं आपको, राइट? सो लेट्स गेट इनटू इट. So this is how the product comes. This is a nice little organic jute bag. Isko aap kisi ke liye bhi use kar sakte hain. You can of course use it to carry the NapNap mat around, but aap isme diapers dal sakte hain. Kuch aur aapke valuables hain, wo dal sakte hain. We've written a small letter for you, so please read it. There's an instruction manual, although the product is very very simple. Main aapko abhi thodi der mein explain kar dunga kaise use karna hai. वारंटी है इसके साथ, हमें एक साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है. तो आप निश्चिंत होकर यूज करिए. प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पीछे QR कोड है, जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे इसको स्कैन करिए, आपको वारंटी पेज पे लेके गया जाएगा और वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं. उसके साथ एक चार्जिंग केबल भी आती है. एंड देन फाइनली आई वांट टू शो यू द मैट. This is the beauty. It is that simple. ये एकदम minimal आपके baby के mattress जैसे है. ये HR foam से बनी है, high resiliency foam है. This is very very important for your baby's posture. It is specially designed so that it takes the shape of the baby's spine, which is very sort of delicate in the early stages, early years. पहले पहले बच्चे की neck strong नहीं होती, उसकी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उसके लिए ये फोम बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर का जो कवर है, ये ऊपर का कवर है, ये 100% 300 थ्रेड काउंट का कॉटन है. बहुत अच्छे फिनिश वाला प्रोडक्ट है. आप इसको जैसे ही छुएंगे आपको इमीडिएटली समझ आएगा कितना प्रीमियम इसका फील है. ये कंप्लीटली रिमूवेबल एंड वॉशेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी कभी भी कुछ भी कर सकता है. तो आप इसको आराम से निकाल के, यू कैन पुट दिस इन द वॉशिंग मशीन, ये पिलो कवर जैसा पूरा का पूरा निकल जाता है. और अंदर आप देखेंगे तो ये 100% वाटरप्रूफ है. तो बाहर का कवर आपने निकाल दिया, आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, इसको आपने अच्छे से वेट वाइप्स या यू नो लाइक गीले कपड़े थोड़ा सा डेटॉल वेटॉल लगा के आपने उसको साफ कर दिया, तो यू आर गुड टू गो. वेरी इजी टू चार्ज. मैंने आपको चार्जिंग केबल दिखाई थी. रिचार्जेबल बैटरी है. एंड्रॉयड का सिंपल सा जो चार्जर यूज होता है वही चार्जर आप यूज करो. आपके पास घर पर पड़ा ही होगा आई एम श्योर, नहीं तो हम आपको चार्जिंग केबल दे ही देते हैं. आप चार्ज करो, 3 घंटे लगते हैं पूरी तरह से चार्ज होने को, और 16 दिन तक बैटरी चलती रहती है. तो इट्स एज गुड एज एक बार चार्ज कर लिया आप भूल जाओ, 2-3 हफ्ते मैट चलती रहेगी, ठीक है. सेफ चार्ज है बिल्कुल. तो जब चार्ज कर रहे हैं, जब पावर पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैट चालू नहीं होती. इसका ये कारण है कि अगर आपका बेबी मैट पे है लेटा हुआ और मैट पावर से कनेक्टेड है, तो चांस ही नहीं है कि मैट चालू होगी. तो बेबी कंप्लीटली सेफ है. सिर्फ आप जब अनप्लग कर देते हो तब वापस मैट शुरू हो जाती है काम करने. और इसमें एक 20-मिनट कट ऑफ है, ठीक है. तो ये इसलिए है कि बहुत साइंटिफिकली हमने इसको मेजर किया है कि इट टेक्स मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स फॉर एनी बेबी टू गो इनटू अ डीप स्लीप साइकिल. अगर 20 मिनट्स के बाद भी बेबी डीप स्लीप में नहीं जा रहा है, बेबी इज एक्साइटेड, थोड़ा सा आपको और कुछ मैनूवरिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको शांत करना पड़ेगा. वापस आप उसको नैपनैप पे डालिए, बच्चा आराम से शांत हो जाएगा. सो इन अ नटशेल दिस इज द प्रोडक्ट. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू यूज, एंड एज यू कैन सी इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट. इट्स ओनली 500 grams. So, बहुत हल्का है और इसको आप फोल्ड कर सकते हो आराम से. आप इसको अपने वो जो पाउच दिखाया था वो पाउच में डाल के, यू कैन पुट इट इन योर डायपर बैग, यू कैन कैरी इट एनीवेयर. इट फिट्स परफेक्टली इन योर क्रिब्स, इट फिट्स इन योर स्ट्रोलर्स, इट फिट्स इन योर कार सीट्स. आप कैरियर पे भी बेबी को कैरी कर रहे हो और अगर बच्चा रोने लग जाता है तो जस्ट पुट इट अराउंड द बेबी लाइक दिस, स्विच इट ऑन, बेबी इमीडिएटली गेट्स पैसिफाइड. सो वी हैव डिजाइंड इट विद पोर्टेबिलिटी इन माइंड.
We've designed it with you in mind, because a lot of new mothers travel now. You go to work, you go for a coffee date, you go to a park, you go to a friend's place. So you can take it anywhere with you. There are 6 modes in it. I wish I could make you experience this, but I've just switched it on and it's vibrating. Very subtle. Humko samajh mein nahi aa raha, but baby ko immediately samajh mein aa jata hai. So the vibration really helps. And isme se ek white noise generate hoti hai. So white noise bahut scientific principle hai. Aap google karke dekh sakte hain. Very, very effective for inducing good quality sleep in babies. So ye jab bacche ke हेड पे आता है तो उसको परफेक्ट डेसिबल की वाइट नॉइज सुनाई देती है एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन एंड वाइट नॉइज इज एज गुड एज यू कीपिंग द बेबी ऑन योर शोल्डर थपथपाउइंग द बेबी एंड गोइंग सो इट्स द सेम इफेक्ट और इट्स द सेम इफेक्ट एज टेकिंग योर बेबी फॉर अ ड्राइव इन अ कार तो वही सारी चीजों को हमने साइंटिफिकली उसको एकदम प्रिसाइसली कैलिब्रेट किया है इतने सिंपल प्रोडक्ट में तो It's extremely effective. A lot of mothers, we have a lot of testimonials all over the place. A lot of mothers are really reaping the benefits. So please try it out. And if you do want to check it out, if you do want to explore it, there's an explore now button under the stream. Just click it. It'll take you. We are obviously listed on BabyChakra. Aap pura product samajh sakte hain, uski description padh sakte hain. Aapko sari information wahan pe mil jayegi. Agar aapko phir bhi koi sawal hai, to ek number aapke saath share kiya jayega. Ya aap hamare social media profile pe, Instagram pe ya Facebook pe humko ek message drop kariye. We are very prompt with our responses and hum immediately aapki query ko answer karne mein aapki madad karenge. So this is the NapNap Mat. I wish I could pass it around and you guys could experience it. But press explore now and yeah, try it out for yourself. So, abhi sawal aaya hai, NapNap Mat kaise help karta hai? Correct. So, jaise ki maine aapko bataya, NapNap Mat ek scientific paper hai Harvard Medical ka. ठीक है गुड वाइब्रेशंस करके वो हमारे वेबसाइट पे पब्लिश्ड है तो आप उसको जाके अगर स्टडी करेंगे तो जो भी बच्चे इरिटेबल होते हैं उनको अगर आप एकदम कैलिब्रेटेड थोड़े से जेंटल रिदमिक मोशन और थोड़ी सी सूदिंग आवाज का अगर कॉम्बिनेशन दे दो ठीक है तो बच्चे इमीडिएटली शांत हो जाते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन टेल यू कि ये NapNap Mat कैसे वर्क होती है उसके पीछे बहुत डीप साइंस है वो वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसके 6 मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमने पहले 3 मोड प्रोग्रेसिव रखे हैं चौथा मोड मॉम्स के लिए है पांचवा और छठा मोड हार्ट बीट मोड है तो बहुत सारे उसमें मोड्स हैं बहुत सारे फीचर्स हैं बहुत साइंटिफिकली डिजाइन और कैलिब्रेट किए गए हैं अलग 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 सिचुएशंस के लिए तो फॉर एग्जांपल जब आपका बच्चा अगर न्यू बॉर्न है तो फर्स्ट मोड सबसे आइडियल है लेकिन आप अगर किसी आउटडोर सिचुएशन में हो जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ है ड्रिलिंग हो रही है किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप सेकेंड या थर्ड मोड ट्राई कर सकते हो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने फोर्थ मोड डाला है उसमें एंड दिस इज अ मॉम मोड तो दिस इज नॉट फॉर द बेबी दिस इज फॉर द मदर तो आप एक्चुअली अपने खुद को मसाज दे सकते हैं आपके बैक और आपके लेग पेन्स के लिए और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप कर सकते हैं सो इवन बिफोर द बेबी इज बॉर्न इन द सिक्स्थ टिल द नाइन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ बैक पेन यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ लेग पेन दिस इज द ओनली रिकमेंडेड टाइप ऑफ मसाज बिकॉज इट डजंट प्रेस इन टू योर स्किन It's just surface level, which gives you a nice tingling, soothing sensation, and it really helps with living your breath. So that's the fourth mom mode. And finally, there are 2 heartbeat modes. These are the most favorite modes of all the babies who are using the mat right now. They are like waves of heartbeats going from the top of the mat to the bottom of the mat. And children really, really enjoy it. And they really, really like it. अच्छा इसकी और थोड़ी सी एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट हेल्प्स बेबी सेल्फ सूथ तो अगर बेबी थोड़ा सा इरिटेटेड है उसके एनवायरनमेंट की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है
अनकंफर्टेबल है, तो अगर आप नैपनैप मैट में रख के उसको चालू कर देंगे तो बच्चा अपने आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। दूसरी एक उसकी एडवांटेज ये है कि आप उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, हमें वी ऑल नो थोड़े से मिल्क के साथ एयर बबल्स चले जाते हैं तो कॉलिक की तकलीफ होती है, उसको आपको बर्प कराना पड़ता है, तो आप बच्चे को उल्टा रख के आप थपथपाते हो और चक्रे मारते हो, और आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी कि अप टू 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है एक बच्चे को बर्प कराना, तो वो बहुत ही आसान कर देता है नैपनैप मैट। आप बच्चे को नैपनैप मैट पे हार्ट बीट मोड पे टमी टाइम दे दीजिए, मतलब पेट पे थोड़ी सी देर रख के सामने गद्दा रख के आप बच्चे को उस पर रख दीजिए और हार्ट बीट मोड पे चला दीजिए, इमीडिएटली बर्प कर जाता है बच्चा। सो इट हैज मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड या आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड इफ यू वॉन्ट सम सपोर्ट विथ योर मदरहुड, इफ यू वॉन्ट सम सपोर्ट विथ योर फादरहुड, टिपिकली फादर्स का काम होता है बच्चे को बर्प कराना, तो इफ यू इफ एनी फादर्स आर लिसनिंग आउट देयर तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको कॉलिक के साथ भी, राइट। सो वी हैव या सो ये है कि बेसिकली ये आपके बच्चे को जल्दी से सुलाने में मदद करता है, अच्छी नींद देता है, डीप नींद, एंड एड्स अप टू 2+ hours ऑफ स्लीप टू योर बेबी, राइट। सो दैट इज द की टेक अवे, हेल्प्स योर बेबी स्लीप क्विकर, बेटर, लॉन्गर। If you don't take anything else from today's conversation, please take this away. It helps baby sleep quicker, better, and longer. Right? हाँ, ये एक सवाल आपके मन में आया ही होगा अभी कि इसमें वाइब्रेशन है तो इसमें क्या रेडिएशन है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है, क्या आपने have you taken the care and the effort to make sure that it's safe for my baby? So very, very important question. I think I must address this. We have taken all the care necessary to make sure that the product is completely safe for infants. We are CE certified. We are ISO 9001:2015 certified. And just from a sort of technical point of view, जो वाइब्रेशन है वो मैकेनिकल है, उसमें से कोई रेज इंटरनेट में नहीं जा रही, कोई रेज वाईफाई में नहीं जा रही, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकल रही मैट में से, तो जीरो रेडिएशन है, बिल्कुल जीरो रेडिएशन है, द मैट इज कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री, द वाइब्रेशंस आर कम्प्लीटली मेजर्ड एंड सेफ, एंड इट हैज बीन वेटेड एंड अप्रूव्ड बाय डॉक्टर्स एंड पीडियाट्रिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड। इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ NICUs, neonatal ICUs, व्हिच आर करंटली यूजिंग द मैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एपनिया। थोड़ा सा टेक्निकल है बट वो पेपर भी हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, तो प्री टर्म इन्फेंट्स जिन्होंने 36 वीक्स की जेस्टेशन भी नहीं की है उन पे ये मैट करेंटली यूज की जा रही है, उनकी ब्रीदिंग को इवन आउट करने के लिए और उनको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए। तो नॉर्मल बेबीज के लिए तो आप एब्सोल्युटली रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि ये कंप्लीटली सेफ है, राइट। या सो जस्ट क्विकली टेकिंग यू थ्रू इट, आई शोड यू द येलो मैट, वी हैव वेरी वेरी रेड, इट्स अ यमी कलर, वी लॉन्च दिस ड्यूरिंग क्रिसमस, इट्स अ बिग हिट। We have, and this is my personal, I showed you the yellow, I really really favorite with the mothers, this is my personal favorite one, it's the teal one, I love this color, and it's aquamarine, that's the theme, to usme sare underwater creatures hain, kafi cute, and this is our classic British white nap with the panda in the woods. So these are the four color variants that we have currently. You can pick, all of them are on BabyChakra. You can go, you can choose, and you can take your favorite one, right? Yes. So, of course, you can go and check out the price in the listing below. It's very, very decently priced. And if you, agar main aapko bolu ki aapke neem pe ek keemat daalein,
तो फिर आई डोंट थिंक हाउ दैट वुड बी फेयर बट द चीपेस्ट वन विच इज द क्लासिक ब्रिटिश मैट यू शुड गेट समवेयर अराउंड 3,500 टू 3,600 बक्स सो this is the price point at which we operate. Of course, the colored ones, because the material is much richer and it's a much more high quality material with the print, it's 500 rupees more expensive. But I mean, the functionality is the same with both mats, so I leave it up to you. I would there are a lot of mothers who take the classic British and then go for the colored covers based on your preferences. That is completely your call. But yeah, so this is the NapNap mat. I think, I hope you guys are sort of clear with the product. And if you have any further questions, I will take them now. I think it's a good time to get into what questions have been sent. हाँ ये और एक चीज़ है ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी है और ये बहुत अच्छा गिफ्ट इसलिए है कि आप सिर्फ बच्चे की नींद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें जब बच्चा सोता है नेचुरली मम्मी सोती है और तो ये दोनों के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है तो गिफ्ट का एंगल भी बहुत अच्छा है आप इसको बहुत अच्छे से गिफ्ट भी कर सकते हैं और आपको बहुत दुआएं मिलेंगी इसका और एक मैं थोड़ा सा आई थिंक मिस कर गया कि स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्लीप मतलब आपका बच्चा सो गया ये तो ठीक है बट जब आपका बच्चा सोता है दैट्स व्हेन 80% ऑफ द लर्निंग हैपेंस दैट्स व्हेयर 80% ऑफ द कॉग्निशन हैपेंस सो इनपुट तो हो रहा है जब बच्चा जगा हुआ है वो देख रहा है माँ है पापा है लोग आ रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर रहा है इट्स लाइक अ स्पंज द बेबीज ब्रेन बट most of the learning, most of the cognition, most of the behavioral development is sari cheeze neend mein hoti hai. To neend pe dhyan rakhna bahut bahut important hai. Aap basic ek cheez to abhi kar sakte hain. Aap ek chart banaiye, left pe date likhiye aur matlab upar date likhiye, idhar time of the day likhiye aur dekhiye ki kitne time ke liye aapka baby roz so raha hai. Ek hafte ke liye isko monitor kariye aur wo data leke aap हमको अप्रोच करिए हम आपको एक परफेक्ट स्लीप रूटीन डिजाइन करके दे देंगे विच विल बी परफेक्ट फॉर योर बेबी दिस विल नॉट ओनली हेल्प योर बेबी स्लीप इट विल कीप योर बेबी हैप्पियर इन अ बेटर मूड लेस क्रैंकी एंड इट विल आल्सो हेल्प योर बेबी अचीव देयर माइलस्टोन्स मच मच फास्टर सो स्लीप तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है बट स्लीप के वजह से इतने पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं आपके बेबी के लाइफ में तो ये हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते और ऑफ कोर्स बच्चा सो रहा है तो आप सो रहे हैं अब मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ एक स्टडी कहती है कि अगर आप 6 दिन से ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड रहें तो यू आर कंसिडर्ड लीगली ड्रंक मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्लीप क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन प्रोलॉन्ग्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सट्रीमली हार्मफुल साइड इफेक्ट्स और बच्चों में भी स्लीप डिप्रिवेशन एट एन अर्ली एज इज प्रूवन स्टडी शो to create obesity in kids between 2 to 3 years of age. So sleep is very, very important. Let's talk about it. Let's have a conversation. यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं. आपको जो forum comfortable है, वो forum पे बातें कर सकते हैं. But the appeal is to have a conversation around baby sleep, and we are here to help you. Right? So I think. We should look for more questions. If you have any questions, this is a good time to ask. The mat does not have any real side effect. So don't be worried about those things at all. It's completely safe. It's just a fraction behavior modifier. It just helps your baby get into a decent routine and it takes care of your baby between 0 to 2 years of age. Although the introduction of the product should ideally happen between 0 to 6 months. So, 0 to 6 months, what happens is that the child has the most need of the child. Their circadian clock is not fixed, so they don't know the day or night difference. For them, that is not a time zone. So, they operate in every 2 hours.
तो तभी आप अगर इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट अप टू 2 years. इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? सो ऑब्वियसली वी हैव टेस्टेड इट कंप्लीटली. I told you about the covers and that the cables and everything are completely safe. The heartbeat mode is something that you must check out. And we are currently testing it in NICUs. So NICUs mein iski ek bahut specific application hai. So preterm infants ki breathing, lungs unke develop nahi hote. तो आप जब उनको इस मैट पे बिठाते हैं, उनको सुलाते हैं, तो इसमें स्टोकेस्टिक रेजोनेंस को वो एक्सपोज होते हैं, तो इस एक्सपोजर की वजह से उनकी ब्रीदिंग बहुत हार्मोनाइज हो जाती है, बहुत रेगुलराइज हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है. तो इट्स नॉट जस्ट सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग यू टू स्लीप, बट इट्स ऑल्सो सॉल्विंग अ सीरियस इशू इन प्रीटर्म इन्फेंट्स. सो इट्स गॉट दैट very big plus now also, right? So if you have any questions, I will take them. Yeah. It's lighter than this water bottle, by the way. This is, yeah, 500 grams. It's lighter than the water bottle. Let's see. Okay, then I think we've answered most of the questions. If you have more questions, you know where to find us. We are on Instagram at NapNap Mat. We're on Facebook at NapNap Mat. We are on our website, and of course we are on BabyChakra. Ask away and we'll answer all your questions. It was an absolute pleasure having this chat with you. Bahut acha laga. Aur please ek bar check kariye isko, ek bar explore kariye. Aur either ways apni sleep pe dhyan rakhiye, apne bacche ki sleep pe dhyan rakhiye. और स्लीप के बारे में बात करिए. ये कॉन्वर्सेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है. इसी के लिए हमने नैपनैप मैट शुरू किया था एंड वी विल हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव इफ वी ऑल हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड गुड स्लीप हाइजीन. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.